बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई में जितने भी स्विमिंग पूल थे होटलों में या लोकल थे, उनको बैन किया हुआ था, उनको भी बंद किया हुआ था कोरोना की वजह से। आज उन्होंने ऐलान कर दिया ऑफिशियली दुबई ने कि तमाम स्विमिंग पूल होटल में और घरों में जितने भी हैं उनको तमाम स्विमिंग पूल को खोलने का ऐलान कर दिया। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि बच्चों को स्विमिंग पूल से दूर रखें, कि बहुत से हादसे हर साल होते हैं और बच्चे इसमें मारे जाते हैं। और उससे अच्छी खबर ये है कि शारजा में तमाम गवर्नमेंट दफ्तरों को खोलने का ऐलान कर दिया है। जितने भी गवर्नमेंट के दफ्तर हैं, चाहे वो वीज़े के हैं, चाहे वो टेस्ट के हैं, जिस किसी चीज़ के भी हैं, वो इतवार से खोल दिए जाएंगे। और 30% लोग उसमें एम्प्लॉज़ काम करेंगे और बड़ी उम्र के लोग उसमें नहीं जा सकेंगे। जो एम्प्लॉज़ होंगे, जो गवर्नमेंट के यंग जितने भी होंगे एम्प्लॉज़, उनको 30% जो है वो गवर्नमेंट के दफ्तरों में बैठेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। बहरहाल इसी तरह की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम।